ओके द टॉस हैज हैपेंड एंड द टॉस इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत जरूरी होता है कौन सी कैटेगरी को ब्लॉक करेंगे. लेकिन मेरे साथ में एक ऐसी लेडी खड़ी है जिनका नाम इतना बड़ा हो गया है और उनकी अब सूरत भी उतनी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए. गीता फोगाट, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. इतनी खूबसूरत में ये अवतार तो देखा ही था. थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट्स. और बहुत अच्छा लग रहा है, दोबारा दूसरा सीजन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और सभी टीमें लड़ने के लिए तैयार हैं. कैसा लगा जब पिक्चर में इतनी ज्यादा चर्चा, अभी तक इतने रिकॉर्ड तोड़ रही है और आपका नाम सब जगह रिकॉर्ड तोड़ जा रहा है, कैसे लगा? अच्छा लग रहा है और प्राउड होता है कि जितनी मेहनत हमने की है उसका वो मेडल से तो हमें सफलता मिली, लेकिन फिल्म आके हमें यहाँ तक पहुँचाने वाले मेरे पिता और गुरु जो हैं श्री महावीर सिंह जी, उनको एक पहचान मिली है, तो ये हमारे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए, देश के लिए गर्व की बात है. अब हर कोई लड़की अब रेसलर भी बनना चाहती है, तो गीता पर बहुत प्रेशर आ गया है, हर कोई गीता की तरह बनना चाहेगी. बट इट्स समथिंग दैट इज रियली समथिंग लुक फॉरवर्ड टू. सर, आज के मैच के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे क्योंकि पहला मैच है, दो बड़ी लीग्स हैं, यू नो द बोथ द टीम्स. आपके हिसाब से व्हिच इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर टुडे? देखिए, दोनों टीम काफ़ी बैलेंस हैं, उन्होंने प्लेयर्स बहुत अच्छे तरीके से, मतलब उनकी अचीवमेंट्स के बेसिस पे उनको खरीदा है जी. और आज का जो अच्छा मैच जो होगा, जो मैं सोच रहा हूँ, मैच बाद में टीम चुनी है, आज दोनों के बीच में कौन, हरियाणा या मुंबई? देखिए, मैं हरियाणा बिल्कुल. चलो अनुज जी से बाद में लेंगे और गीता से भी बाद में पूछेंगे, लेकिन पहले रूल्स की तरफ चलते हैं. रूल्स बहुत जरूरी है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट द रूल्स ऑफ टुडेज मैचेस आर. अगर एक रेसलर अपोनेंट को प्लेइंग एरिया से बाहर करता है तो एक पॉइंट स्कोर करता है. अगर प्लेयर अपोनेंट पे कोई टेक्निक अपनाता है बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो प्लेयर को टेक्निक अप्लाई करने के लिए भी एक पॉइंट मिलता है. कई बार मॉडर्न फ्री स्टाइल रेसलिंग में प्लेयर्स इलीगल होल्ड का यूज करते हैं बट इट्स ट्रीटेड एज अ फाउल और अपोनेंट को एक पॉइंट मिल जाता है. जब प्लेयर अपोनेंट को पूरी ग्रिप से गट रेंच टेक्निक अप्लाई करता है तो उसको चार पॉइंट मिलता है. जब एक रेसलर दूसरे रेसलर को पूरी तरह से अंडर कंट्रोल करता है और उसकी पूरी बैक या शोल्डर ब्लेड ग्राउंड पोजीशन पे होती है तो मैच खत्म हो जाता है और डोमिनेटिंग प्लेयर पिनफॉल के जरिए जीतता है. फुटले टेक्निक से बैक टू बैक पॉइंट स्कोर किए जा सकते हैं. अगर प्लेयर ने 10 पॉइंट स्कोर कर दिए तो अपोनेंट मैच लूज कर सकता है. अगर पॉइंट्स की बात करें तो सब लोग जानते हैं, जैसे दंगल फिल्म में भी दिखाया था, पॉइंट्स का बहुत महत्व होता है. गीता, अगर आपसे बात करें तो अगर खिलाड़ी सिंगल्स और टू जैसे बैटिंग में करते हैं और चौके छक्के बाद में मारते हैं, एक रेसलर ऐसे सोचता है क्या कि अभी मैं सिंगल की ट्राई करूंगी या डबल की ट्राई करूंगी? देखिए, कुछ हम फिक्स दिमाग से फिक्स करके कोई टेक्निक नहीं लगती कि हमें वो लगानी है और वो सोच के चले जाए और वो लग जाएगी. वो कुश्ती के दौरान सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या हमारी पोजिशन आई है, तो वो एक पॉइंट के लिए आई है या फिर चार के लिए आई है, तो वो उस मैच के दौरान सिचुएशन जो होती है उस पर डिपेंड करता है. तो भाई, सिचुएशन के मद्देनजर रखते हुए अनुज, अगर आपसे बात करें, आप भी बहुत कमाल के रेसलर रहे हैं, सबसे ज्यादा बड़ी चीज आप ट्राई करते थे, आते ही सिंगल या आते ही बड़ा दाव पिच? आज का जो रूल बदल गए, पहले क्या रेसलिंग में एक पॉइंट एक मिलता था एक बार अटैक करने में, अब टू पॉइंट मिलते हैं. एक बजे पहले एक मिलता था, अब दो मिलने लगे. रेसलर आप चाहते थे कि पहले से ये अच्छा सा चार पॉइंट में ले लूं, कोशिश करूं ऐसे बड़ा कोई नहीं. अब जैसे यहाँ जो नियम है, 3-3 मिनट के दो राउंड है, तो स्टेमिना बहुत मायने रखता है जी. आप या तो इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दो तो दूसरा कवर ना कर पाए. मैं होता तो मैं तो यही सोचता कि भाई जैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जाए और बाद में पॉइंट ना जाए. तो पॉइंट्स का जो महत्व रहता है वो सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ता है. जगदीश जी, अगर आपसे पूछे, मैं आपको महावीर जी बुलाने वाला था क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आप कोच ही बन चुके हैं, बट फॉर यू एज अ रेसलर ऑल्सो, जो आप इतना रह चुके हैं, नॉर्मली अपोनेंट की वीकनेसेस चेक करते हुए पॉइंट्स के बारे में सोचते थे या सिर्फ जैसे क्रिकेट में बोलते हैं जैसे बॉल आई वैसे मार दी, वैसे खेलते थे आप सिर्फ? देखिए, अभी जो मॉडर्न रेसलिंग है इसमें सबसे ज़्यादा है स्कोरिंग, जितना जल्दी आप स्कोर करें और अगर टेक्निकल सुपेरियरिटी पे आप जीतते हैं वो सबसे मायने रखता है. 10 पॉइंट जरूरी है, 10 पॉइंट जरूरी है, तो उसको हम टेक्निकल सुपेरियरिटी पे विनर घोषित करते हैं.